दोपहर को 2 बज रहा था, वो मोबाइल देखने के लिए बुलाया, दिखाते दिखाते दरवाज़ा अपना बंद कर लिया। उसके बाद बच्चे को मुँह दाब के गलत काम किया बेचारा। और साथ गेड़े में रहता था, सामने सामने ना ही जान पहचान था उससे। वो बच्चा मेरा मोबाइल बोला कि आजा मोबाइल देखते हैं, मोबाइल दिखाते दिखाते उसको भरमा लिया 50 रुपये के नोट दे के। अब वो बोलता है 50,000 लेके समझौता कर लो, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए जी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। 12 तारीख के 10:30 बजे कंप्लेन लिखाया हूँ पीपल चौक पुलिस चौकी में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या ये पर्चा कटाते हैं? बोले ठीक है। गया तो लोग बोलता है समझौता कर लो। बच्चा अभी ठीक है, उस दिन उसका हालत बुरा था। लुधियाना लाइव में जुड़ चुके हो तुसी, ते मैं हाँ यूमबरी लुधियाना के सिविल अस्पताल मौजूद हाँ, जिथे कि एक नाबालिग किशोर दे नाल दुष्कर्म की एक 50 साल के व्यक्ति ने की कोशिश। तो हूँ मेरे ना परिवारक मैंबर जुड़ चुका वा, उन्होंने गलबात जानते हैं कि होया वा, किस तरह होया वा, किस तरह बच्चे बेकाबू ले गया वा। भाई साहब क्या हुआ, क्या था? वो बच्चे को दोपहर के 2 बज रहा था। अच्छा, किसका बच्चा? मेरा बच्चा है। अच्छा, कितनी आयु है उसकी? 9 साल। 9 साल, ठीक है। दोपहर को 2 बज रहा था, वो मोबाइल देखने के लिए बुलाया, ठीक है, दिखाते दिखाते दरवाज़ा अपना बंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे को मुँह दाब के उस गलत काम किया बेचारा। अच्छा, गलत काम किया? हाँ, ठीक है। कौन व्यक्ति था वो, कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है। अच्छा, यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ लुधियाना, वहाँ रहता है कुहाड़े। कुहाड़े, ठीक है। क्या उम्र होगी उसकी? वही 50 साल होगा। अच्छा, क्या करता क्या है वो लड़का? टिमरमैन है। टिमरमैन है। हाँ, स्टील प्लांट में। अच्छा, स्टील प्लांट में। क्यों ऐसा क्यों किया, और आप उनको जानते थे या क्या है? वो साथ बेड़े में रहता था, सामने सामने। अच्छा, इतना ही जान पहचान था उससे मेरा। अच्छा, उसको तो जैसे एक ही प्लांट में हम लोग बहुत दिन पहले ड्यूटी किया था। हाँ। इस वजह से भाई भाई चारा उसे रहती था, तो उसके बाद कोई उससे कोई संबंध नहीं है, वो कहीं और का है, कहीं और का मैं हूँ। अच्छा जी, तो आपका बच्चा कैसे उनके बेकाबे में आ गया, कैसे वो व्यक्ति आपके बच्चे से मिला जुला? वो बच्चा मेरा मोबाइल बोला कि आजा मोबाइल देखते हैं, मोबाइल दिखाते दिखाते उसको भरमा लिया 50 रुपये के नोट दे के। अच्छा, हाँ, बच्चे को, ठीक है। तो आप ने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, की। तो कितनी देर, ये कब की घटना है? ये 12 तारीख के 2 बजे की घटना है। अच्छा, 12 तारीख के 10:30 बजे कंप्लेंट लिखाया हूँ। अच्छा, पीपल चौक पुलिस चौकी में, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे के साथ गलत काम हुआ? वो बच्चा आके माँ से अपने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे अंकल ने किया है। अच्छा, 50 रुपये दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ़ोन की, मैं तो उस दिन 4 बजे घर से आया हूँ। ठीक है, तो मैं चले गए अपने बहन के कमरा। अच्छा, मैं वहीं था तो ये फ़ोन की कि कमरे पर आया तो इसे बताया था वो। उसके बाद जब ये बताई तो उसके बाद गया पुलिस चौकी में। तो बूढ़े वाल गया तो वो बोलता है मेरा इलाका नहीं पड़ता है, वो भेज दिया कटाने गया तो बोलता है मेरा इलाका नहीं पड़ता है। फिर आया पीपल चौक तो यहाँ लिखवाया कंप्लेन 10:30 बजे। ठीक है, डॉक्टरों ने क्या कहा जब? वो तो मेडिकल के लिए जाँच गया हुआ, अभी जाँच कुछ आया नहीं है। ठीक है, अभी किसी डॉक्टर से बात भी नहीं किया हूँ अभी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कोई गंभीर है क्या? बच्चा ठीक है? बच्चा अभी ठीक है, उस दिन उसका हालत बुरा था। अच्छा, अब मैंने बच्चा ठीक है आज। ठीक है, तो पुलिस से चौकी से फ़ोन वगैरह आया कुछ? पुलिस चौकी से फ़ोन नहीं आया था, कल उसका बंदा आया था पुलिस चौकी से, पुलिस वाला नहीं, दूसरा बंदा फ़ोन किया जी, कहा ये पर्चा कटाते हैं जी। बोले ठीक है। गया तो लोग बोलता है समझौता कर लो जी। अच्छा, हाँ, इतनी बात बोली? हाँ, वो बोलता है 50,000 लेके समझौता कर लो, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए जी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। श्रीमान जी, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल सर, यूएमबी की गल कर रहा सी, जर्नलिस्ट। हाँ जी।
सर एक तुहाडे मामले ध्यान च होना कि 9 साल के बच्चे ने एक 50 साल के वर्ष के बंदे ने कुकर्म किया सर, ये मामला की है? कुकर्म होया नहीं सीगा जी, ना मेडिकल असी भी पहला यही समझते सीगे, जो फिर बच्चे का असी मेडिकल करवाया ना जी, ओदे च फिर डॉक्टर ने लिख के देता सीगा भी MLR दे विच भी ए एदा क्लियर नहीं हो रहा भी स्वैब मतलब स्वैब जिहड़े दिंदे हुंदे आ FSL जांदे हुंदे आ भी उत्थों क्लियर होऊगा, जो स्वैब सी देते आ जी ते स्वैब सवेरे जमा होणगे जी उत्थे FSL च ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLR ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਊ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਥੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੁੜਿਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਮਬੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਧੰਨਵਾਦ।